शहर तक पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। कहीं ये ना हो कि चांद परी के पहुंचने तक हम सिर्फ सजावट ही करते रहें। तैयारी आज ही पूरी हो जाएगी महाराज। चलो अच्छा हुआ, लिंगैया ने अपना काम पूरा कर दिया। तो तुम्हारे दोस्त आ गए मुरली? अयो अयो, मैं तो भूल ही गया, मेरे को अभी स्टेशन पहुंचना महाराज। ये बताओ मुरली, विजयपुरा में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है? बहुत सारी जगह है चुटकी, लेकिन सबसे पहले महाराज से मिलना, फिर मैं तुमको घुमाने के लिए ले जाता। हमने मुरली से बहुत कुछ सुना है तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बारे में भीम। हमें यकीन है कि विजयपुरा का चंद्रमा महोत्सव तुम सब के लिए यादगार रहेगा। ये चंद्रमा महोत्सव क्या है महाराज? युगों युगों से चली आ रही प्रथा के अनुसार हर 100 साल में एक बार चांद परी विजयपुरा की धरती पर उतरती है और किसी योग्य व्यक्ति को अपने पसंद का वरदान देती है। अच्छा, लेकिन वरदान के लिए किसी की योग्यता का पता कैसे चलेगा महाराज? हमने सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की सूची बनाई है जिन्होंने कोई अच्छा या बहादुरी का काम किया है। योग्यता का पता तो खुद चांद परी ही निर्धारित करती है। मुरली, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्तों को विजयपुरा की सैर पर ले जाओ और उन्हें यहाँ की हर चीज दिखाओ, ठीक है? विजयपुरा का सबसे बड़ा, सबसे जाना माना गरुड़ उद्यान, इधर सबको बहुत मजा आने वाला है। याद रखना, एक छोटी सी चूक ही हमारी योजना को बर्बाद कर सकती है। चौकन्ने रहना। चंद्रमा महोत्सव में आप सबका स्वागत है। स्वागत है चांद परी। प्रथा के अनुसार आपके वरदानों के लिए हमने इन चारों और इन 3 बच्चों की योग्यता को चुना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सब खास हैं और इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं। आपने सही कहा गजेंद्र, ये सब खास हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे वरदानों का प्रश्न है, वो हमेशा उनको जाता है जो अनोखे होते हैं। मैं समझा नहीं चांद परी। वासु ने अपराधी को पकड़ कर एक सैनिक के कर्तव्य का पालन किया, बाला पहलवान और धनुष ने प्रतियोगिता में जीत हासिल की और उसके लिए उनको इनाम भी मिला। आपने भी उन्हें सम्मानित किया। शंकर ने ईमानदारी के साथ खेत में मिले खजाने को राजकोष में जमा करके अपनी प्रजा धर्म का पालन किया और उसके लिए उसे आपसे उचित पुरस्कार भी मिला। हाँ, पुरस्कार तो हमने दिया था। बिल्कुल, लेकिन भीम, चुटकी और राजू ने मासूमों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इंसानियत की इससे बड़ी मिसाल मैंने कहीं नहीं देखी और यही बात मुझे अनोखी लगी। इसलिए मैंने भीम, चुटकी और राजू को अपने वरदानों के लिए चुना है। मैं भीम को अनंत यौवन, चुटकी को अमरता और राजू को दिव्यास्त्र की शक्ति का वरदान देती हूँ। आकाश की ऊर्जा, धरती की शक्ति, सूरज की किरणें, चांद की ज्योति, जिनके सहारे जीवित है इंसान, यौवन अमरता दिव्यास्त्र देकर सफल करो मेरा वरदान। याद रखना बच्चों, जब तक ये हार तुम्हारे गले में है तब तक मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। अलविदा। ये तो वही थरथराहट है जो कल मैंने पुल पर महसूस की थी। राजू, चुटकी, गले मिलकर बधाई देने का वक्त नहीं हुआ है। ओ, 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 ओ,
जाना चाहता है। चलो इसके पीछे चलते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे कोई है? ये खरगोश अंदर कैसे आ गया? बच्चों जल्दी यहाँ से निकलो, ये जगह खतरे से खाली नहीं। दादू, निकालने का मतलब मेरे वरदानों का अपमान करना है कुट्टी, इसलिए इसे मैं वापस ले जाऊंगी। अरे लेकिन मैंने इसे नहीं। चुप। आपका शुक्रिया चांद परी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए भीम, जो तुमने मेरे वरदानों का गलत इस्तेमाल होने से रोका। और मेरा सबसे प्यारा दोस्त मुझे वापस भी मिल गया। मुझे पता है अविनाशी, तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं वादा करती हूँ ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। और पिताजी ने भी तुम्हें मेरे साथ रहने की इजाज़त दे दी है, तो अब चले। आम के पेड़ से केला गिरा, इसे कलयुग कहो या फलयुग? फिर शुरू हो गए तुम लोग। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिढ़ाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी, इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुढ़ा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम। मैं नहीं डरने वाली ना, और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। गुर्राहट उस तरफ से आ रही है। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो, कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है, आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था।
शांत हो जाओ सब, लड़ो मत, मेरे पास काफी पानी है। देखो, मेरा पौधा भी बढ़ गया। वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो? तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम बंदर होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ, ये लो दोस्त पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी। के बाहर नहीं, सबके यहाँ कचरा फैला हुआ है।
जल्दी अंदर आओ, ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है? नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है, बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना, पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए। सब भूल गए हो? तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जम कर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते, उतने समय में चुटकी, कोई नया खेल या कुछ नया करने को बचा ही नहीं है। फिक्र मत करो दोस्तों, मेरे पास है एक बिल्कुल नया खेल। पहली बार सही चीज पे दिमाग लगा रहे हो कालिया, बोलो क्या है ये नया खेल? इस खेल का नाम है कालिया महाराज। मैं बनूंगा राजा और तुम सब मेरे सेवक सिपाही। मेरे हर हुक्म को पूरा करना, यही है खेल का नियम। इससे अच्छा तो हम कालिया घोड़ा और उसका मालिक जग्गू खेलते हैं। तुम बनोगे मेरे घोड़े और मैं करूंगा तुम्हारी सवारी। ऐसा लगा ये खेल। किताब हाँ?
किया था एक हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। कालिया, मौसी ऐसा कभी नहीं करेंगी, वो नानी के पास ही होंगी। मगर फिर वो अब तक लौटी क्यों नहीं? मुझे तो लगता है उन्हें कोई राक्षस ले गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से! अरे अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं, हम चुटकी के दोस्त हैं। 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। के लड्डुओं की खुशबू! अरे वो मौसी के लड्डुओं की खुशबू नहीं, हसमुख हलवाई के दुकान की खुशबू है। बदमाश ने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए, मेरा सारा व्यापार चौपट। ले लो ताजी ताजी मिठाई ले लो। ये तो एकदम मौसी के लड्डू जैसे लग रहे हैं। मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे मुझे लगता है जरूर हसमुख का ही हाथ है। इस हसमुख को तो मेरी बच्चियों से पंगा। नानी जी, इस वक्त गुस्से से नहीं, हमें चतुराई से काम करना होगा। दुकान में कोई है? हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं, आइए आइए। ये देखिए, हमें एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। हलवाई से धोखा? धोखा तो आपने दिया है नानी मौसी और चुटकी को। Thank you.
सिर्फ मेरे लिए है।